सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इसमें सात बड़े फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट ने सीहोर जिले के सिप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 346 करोड़ 12 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासन की स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों के 15,284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा और पेडिस्टल्स के निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत 191 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासन की स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में कुल 26,063 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें से 4,166 नगरीय एवं 21,897 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। प्रदेश में ऐसी उचित मूल्य की दुकानें जहां सेल्समैन नहीं और पात्र स्व सहायता समूह द्वारा दुकान स्वचालन करने की सहमति दी गई है, उन्हें समूह को ऐसी दुकानें आपसी सहमति से हस्तांतरित करने की अनुमति मंत्री परिषद द्वारा दी गई है। दुकान हस्तांतरण के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। मंत्री परिषद ने प्रदेश के कृषि यंत्रीकरण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि अभियांत्रिक संचालन के लिए विस्तार का निर्णय लिया है। इसमें विभाग के 360 रिक्त पदों को समर्पित करते हुए संचालन का 163 नवीन पदों का सृजन किया जाकर 20 जिलों में नवीन जिला कार्यालय तथा 2 संभागों में नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। संचालन के विस्तार से इसकी गतिविधियां प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ हो सकेगी एवं कृषकों को भी अंतिकरण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की सुगमता होगी। मंत्रिपरिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थानों में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट CMYIPD प्रोग्राम को 2 वर्षों के लिए संचालित करने की स्वीकृति दी है।